कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया है, इसलिए इनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ। आप अपनी सक्सेस स्टोरी देखें और आपका मन करे तो आप अपना नाम हमें बता सकते हो, ठीक है? क्योंकि मेंशन नहीं किया इसलिए इनका नाम मैं ले नहीं सकती। इन्होंने लिखा है, हाय दी, मेरी बहुत फनी सी और बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैंने ब्रू कॉफी मैनिफेस्ट की। मुझे ब्रू गोल्ड बहुत पसंद है। मैं चाहता तो जाकर के खरीद भी सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उसे मैनिफेस्ट करूंगा और मेरे घर में खुद ब खुद ब्रू कॉफी आएगी। ऐसा मैंने सोचा और विजुअलाइज किया। मेरे भैया सामान लेकर के आए, लेकिन वो ब्रू कॉफी नहीं लेकर के आए, वो नेस्कैफे लेके आए। मैंने अपने भैया को बोला, जब सामान ला रहे थे, आपको पता है मुझे ब्रू कॉफी पसंद है, तो आप नेस्कैफे क्यों लाए? और ये सोच करके मैंने ये सोच लिया कि मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। मैं नेस्कैफे को ही ब्रू कॉफी समझ करके पीने लगा और सच में मैं कुछ दिनों के बाद में ये भूल ही गया कि मेरे घर में ब्रू कॉफी है ही नहीं। जब मैं उसे विजुलाइज करता था तो ऐसे ही सोचता था, ब्रू कॉफी की खुशबू है, ब्रू कॉफी मेरे हाथ में है और मैं बहुत खुश होता हूँ इसे पी के। आपने इतनी बारी ब्रू कॉफी बोल दिया ना, मेरा भी दिल कर रहा है ब्रू कॉफी पीने का। और इस तरह से मैं उसे विजुलाइज करता था, मुझे सच में बहुत मजा आ रहा था और मैं इसे एंजॉय कर रहा था। धीरे धीरे जब मेरे माइंड में से ये वाली बात निकल ही गई कि मेरे घर में नेस्कैफे है, ब्रू कॉफी नहीं है, तब हुआ असली वाला चमत्कार। मेरे पड़ोस में एक आंटी हैं, उन्होंने कहा कि मेरा ये पोता कॉफी लेकर के आ गया है, हमारे घर में ये वाली कॉफी नहीं पीते हैं, तो तुम ये कॉफी रख लो। एंड गेस व्हाट, वो ब्रू गोल्ड थी। तो मैंने उनको कहा कि थैंक यू आंटी, मैं इसके पैसे आपको दे दूंगा, आप कौन सी कॉफी पीते हैं वो कॉफी मैं नीचे जाऊंगा तो आपके लिए ले आऊंगा। तो उन्होंने बोला, नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए है, हमें ये कॉफी पसंद ही नहीं है, हम नेस्कैफे पीते हैं, एक्सचेंज कर लो। तो मैं नीचे गया और उसके बाद में आंटी के लिए मैं नेस्कैफे का पाउच लेकर के आया। आंटी ने पैसे नहीं लिए थे, लेकिन नेस्कैफे का पाउच उन्होंने ले लिया और वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं और कई दिनों के बाद में ही उनके घर में पोता सामान लेकर के आया था और फिर उसके बाद में वो चला गया था, तो वो लोग नीचे नहीं उतरते हैं। इसलिए जब मैं नीचे उतरा तो मैं उनके लिए कॉफी लेकर के आ गया। सच में उनके लिए कॉफी लेते हुए मुझे बहुत अच्छा भी लगा और ये भी सोचा कि मैंने कितने ब्यूटीफुल तरीके से और कितना मैजिकल तरीके से मैनिफेस्ट किया है। मैंने सिर्फ उसकी स्मेल ली थी और अच्छे तरीके से विजुअलाइज किया था और लेट गो भी मेरा हो गया था, क्योंकि मैं भूल ही गया था। और देखो मैंने कितने अच्छे से ब्रू कॉफी मैनिफेस्ट कर ली और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ अपनी ब्रू कॉफी। हमें भी पी ली है ब्रू कॉफी। वेरी ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी, बहुत ही क्यूट रही आपकी सक्सेस स्टोरी, सच्ची में बड़ा मजा आया। देखिए लेट गो हो गया था, इनके घर जो कॉफी थी उसे ही इंजॉय करने लगे थे ब्रू कॉफी समझ के, ये बहुत बड़ा रीजन रहा, क्योंकि एक्ट एज इफ आ गई, ये उसे ही पीने लगे ब्रू कॉफी समझ के, तो इन्होंने उसे आराम से मैनिफेस्ट कर लिया। तो इस तरह से आप लोग भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप एक्ट एज इफ टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद में उसको लेट गो भी कर सकते हैं। एक्ट एज इफ एक टेक्निक ऐसी है जिसके अंदर ही लेट गो होता है, क्योंकि आप उसी चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं तो आपको लगता ही नहीं कि वो चीज आपके पास में नहीं है, तो ये सुपर फास्ट तरीके से काम करता है। उसके बाद में दिमाग से निकल गया, अपने आप ही निकल गया, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि वो ऑलरेडी है मेरे पास में। तो आप देख रहे हो कैसे हुआ, पड़ोसियों को वही वाली कॉफी नहीं पसंद है जो इनकी फेवरेट है, और जो इनके घर में है वो पड़ोसियों की फेवरेट है। आहा, ऐसी वाली सक्सेस स्टोरी पहली बार आई है वैसे तो मेरे पास में। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं, एक्ट एज इफ टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट गो की ताकत हम लोग ऑलमोस्ट हर एक सक्सेस स्टोरी के अंदर देख रहे होते हैं। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे खींचे ढेर सारा प्यार, करके अट्रैक्ट करें ढेर सारा।